ये वीडियो सीरीज में दोस्तों हम कवर करेंगे स्टाइल्स जो अवेलेबल होगा होम रिबन टैब के अंदर। ठीक है, सो इसमें क्या क्या होता है ऑप्शंस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, राइट, फॉर्मेट एज अ टेबल है, एंड देन सेल्स स्टाइल्स कैसे यूज करना है हमारे डेली रूटीन लाइफ में, एंड देन जो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, राइट, किस किस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कैसे यूज होगा और कैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, कैसे यूनिक वे में हम काम करेंगे इसे, सो ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो वेलकम बैक, ये होम रिबन टैब में मैंने क्लिक करा, करेक्ट। अगर आप मेरे चैनल में नए हो दोस्तों, सो मैंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट अलाइनमेंट, नंबर्स, इसकी वीडियो सीरीज पहले बना रखी है, आप चाहिए तो वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कैसे यूज करना है, डेटा मैंने कुछ ले रखा है, मैंने एक्चुअली ये भी डेटा लिया था, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए स्पेशली वैल्यूज वाला जो डेटा हो वो प्रेफरेबली होता है, जहाँ पे मैं आपको ईजी वे में बता सकूँ, करेक्ट। सो ये टेबल में कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइटेड सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन, परफेक्ट। तो मुझे यहाँ पे अभी जॉब टाइप पे कुछ यू नो सिलेक्शन देना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सैलरी की जो रेंज है वही टेबल को सिलेक्ट करके कॉलम वाइज देन हाईलाइट के अंदर ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ। मुझे एक्सेल मुझे शो करे तो ये कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो मुझे एक्सेल ऐसे शो करे कि जो वैल्यूज है, राइट, जो जो कम्प्लीटली नो मेंबर्स है जो 5000 के ऊपर जो है, करेक्ट, वो लोग कितने हैं इस पर्टिकुलर शीट के अंदर, तो वो मुझे हाईलाइट करके शो करे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आ गया। मैंने दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 5000 यहाँ पे नहीं लिया उसने, क्योंकि अपन इज इक्वल टू 5000 ऐसे नहीं किया हुआ, राइट, तो डायरेक्टली उसने 5000 की हाईलाइटेड जो है उसके अबव जितना हो रहेगा वो सब उसने हाईलाइट कर दिया, करेक्ट। सिलेक्ट करता हूँ, ये रूल जो है इसे रूल कहते हैं, ये रूल मैं निकाल देता हूँ क्योंकि हमें नेक्स्ट सीरीज भी देखनी है। सो ये अभी देन लेस देन, इसमें हम 1000 डालेंगे, बट 1000 का कुछ डेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है नहीं, सो आई पुट 6000, करेक्ट, 6000 के नीचे जो है वो पर्टिकुलर वैल्यूज पुल करे। अगर आप देखोगे यहाँ पे 6700 नहीं लिया उसने क्योंकि लेस देन वैल्यूज चाहिए, करेक्ट। एंड देन यहाँ पे जा रहा हूँ मैं बिटवीन, वो पर्टिकुलर वैल्यू जो रेंज है उसके अंदर ही जितना हो वो मुझे सिलेक्ट करे, तो मैं कुछ डालता हूँ यहाँ पे 8000 एंड देन 10000, या फिर डालता हूँ यहाँ पे 20000, ठीक है, ये कुछ इस तरह से वैल्यू मुझे शो करेगा, करेक्ट। सो कंप्लीट योर चॉइस दोस्तों, कैसे आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन को एज पर दी यूर प्रोसेस रिक्वायरमेंट, और जहां पे आप स्कूल कॉलेज में अगर प्रोजेक्ट कुछ बना रहे हो तो मोस्टली अकाउंटिंग में ये यूजफुल होता है, करेक्ट। एंड देन यहाँ पे बोला है इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू जो साइन है खाली उसे ही आपको शो कराना है तो आप उसे ही परफेक्टली वैल्यू को शो करा सकते हो, एग्जैक्ट मैच आपको वैल्यू होगा। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो डेटा मेरे पास कुछ कम है, बट जब आप बिग डाटा पे काम करते हो, राइट, कोई कंपनीज में एमएनसीज में काम कर रहे हो, तो वो टाइम पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़ा यूजफुल फीचर है। कोई आपको वीबीए प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं है, देन कोई चीज़ की यू नो फॉर्मूलाज फंक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली जस्ट एक फंक्शनैलिटी है वो यूज कर लेता है। अब यहाँ पे बोला है टेक्स्ट, करेक्ट, तो टेक्स्ट का है तो मुझे ये जॉब टाइप में सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट का बोला हुआ है क्योंकि, एंड देन यहाँ पे क्लिक करके मैं डालता हूँ एनालिस्ट, तो ये एनालिस्ट जहाँ जहाँ पे वर्ड है पर्टिकुलर जॉब टाइप के अंदर वो मुझे सिलेक्ट करके शो करेगा। डेट, करेक्ट, एंड देन मैं यहाँ पे आया क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन को ऐड करना है मुझे, तो मेरा वीडियो मैं आज बना रहा हूँ तो ये 8/11, एंड देन टेक्स्ट, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो मैं जस्ट एक डेमो पर्पस दिखा रहा हूँ, बाकी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसे भी पुल कर सकता हूँ,
ताकि मैं फटाफट आपको बता सकूँ और ये वीडियो सीरीज वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ये मुझे मेक श्योर करना है। यहाँ पे डालूंगा टुडे, जो टुडे रहेगा वो मुझे वैल्यू शो करेगा। मैं आपको, आप यहाँ पे जाके हर एक चीज़ चेक कर सकते हो आपके एंड से, ठीक है। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, हो सके उतने शॉर्ट में निपटाना चाहता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज़, जितने डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो मुझे शो करे, तो डुप्लीकेट वैल्यू जितनी होगी ऑटोमेटिकली मुझे शो करेगा, ठीक है। नॉट ओनली देयर हियर, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ओवर हियर एज वेल। टोटल ये लेके डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ कहाँ पे है वो ऑटोमेटिकली शो करेगा। यूनिक वैल्यू भी शो करता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, करेक्ट, डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर क्लिक किया एंड देन यूनिक वैल्यूज मुझे शो करे, तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट दी यूनिक वैल्यूज। एंड देन यहाँ पे जो डेट रेंज आप सिलेक्ट करोगे वो आपको ऑटोमेटिकली टॉप 10, टॉप 3, टॉप जितनी डेट्स चाहिए आपको वो पर्टिकुलर डेट वाइज वो आपको सिलेक्ट शो करेगा। टॉप परसेंटेज देन बॉटम, यहाँ पे डेटा सेट्स अगर आप देखोगे तो ये डेटा सेट से कुछ, मैं इस सैलरी पे रेंज पे क्लिक करता हूँ देन ये ऑटोमेटिकली डेटा बार्स ले लेगा। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको इसका यूज़ होगा दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेल ही खुद डिफाइन कर लेता है, अगर जो वैल्यू कम दिखे उसे तो ऑटोमेटिकली चार्ट वाइज ये कर लेता है। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे रूल सेट हो जाएगा, जो लेस सैलरी वाला है वो ऑटोमेटिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से ग्रेड में दिखाएगा एंड देन जो पॉजिटिव है में भी बिग वैल्यू है उसे ग्रीन में शो करेगा। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, वो न्यू रूल में जाके हमें चेंज करना होता है। अब यहाँ पे आइकॉन सबको शो करेगा, जो वैल्यूज है वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आप उसे आइकॉन्स शो कर सकते हो, करेक्ट, कुछ इस तरह से दिखा रहा है। टोटल सब अगर आपको जो जितना रूल्स अगर अप्लाई कर रखा है यहाँ पे तो आप उसे क्लियर भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ पे न्यू रोल पे क्लिक, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूछ रहा है, ये भी मैं पूरा दोस्तों कवर नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। एंड देन इफ यू वांट, नो आई वांट टू, नो आई वांट टू कवर दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑल्सो, यू कैन कमेंट इन दी बिलो सेक्शन, सो मैं आपको ये भी क्लियर करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं लोएस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, लोएस्ट नंबर मुझे ये कलर में शो करे, पर्टिकुलर रेड दे रहा हूँ। एंड देन जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मुझे पर्टिकुलर वैल्यूज जो है वो ग्रीन में शो करे, तो ओके पे क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरह से मुझे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन के टाइम पे जब आप डेटा रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों तो ये तभी वो टाइम पे इसका यूज़ होगा आपको, एंड बड़ा ही मज़ेदार फंक्शन है दोस्तों। से मैनेज रूल, अपने जो मैंने रूल्स अगर अप्लाई कर रखा है अभी तक जितना, ये सब आपको यहाँ पे ऐड होते रहेगा। अगर आप चाहिए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। भाई फॉर्मेट एज ए टेबल, आपको डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है पर्टिकुलर क्लाइंट को या फिर किसी को डैशबोर्ड वगैरह भेजना है आपको तो टाइम पे, तो ये दिस इज जस्ट फॉर्मेट, यहाँ पे आपको लिखना है कि हाँ बाबा मेरे टेबल्स के अंदर जो है हेडर्स भी अवेलेबल है, तो मैं हेडर्स टिक ऑन करना है आपको एंड देन ओके पे क्लिक करना है। मैं अगेन वापस पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, कुछ इस तरह से वो टेबल फॉर्मेटिंग आ रही है, बट आई वुड रिकमेंड टू टेक दिस, ठीक है। मैं ये डेटा लेता हूँ तो अच्छी तरह से आपको समझा सकूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मुझे शो कर रहा है टेबल फॉर्मेटिंग। सो आपके ऊपर है, जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करोगे दोस्तों तो यहाँ पे कुछ टेबल नेम आ जाएगा आपके पास, तो आप टेबल का नाम दे सकते हो यहाँ पे। एंड देन ये सब चीजें हैं हम अपकमिंग वीडियो सीरीज में पूरा कवर कर देंगे, करेक्ट। एंड देन इसके ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो सीरीज भी बना रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्या होता है स्लाइसर्स, ये कैसे शो होगा, वो हमें कैसे यूज करना है, करेक्ट। सो सब आएंगे हम उस सीरीज के ऊपर, बट हम बेसिक से कवर कर रहे हैं जैसे कि, तो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आप स्टेप वाइज जाएं ताकि दिक्कत ना हो समझने में,
एंड देन सेल्स स्टाइल। अब ये सब ऐड करने के बाद मुझे क्लियर कराना है, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग पूरी क्लियर हो गई। चलिए इसको मैं क्लियर फॉर्मूलाज कर देता हूँ एंड देन फॉर्मेट जो है वो यहाँ से क्लियर कर दिया मैंने, करेक्ट जो टेबल दिया था मैंने। अब मुझे सेल टाइप जो चेंज करना है, सपोज मैं कुछ इसे कुछ हाईलाइट करना है मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो ये कुछ कौन सी डिज़ाइन में आपको चाहिए, देन वो कैसे शो हो पर्टिकुलर सेल, वो पर्टिकुलर सेल को आप हाईलाइट कर सकते हो। सो बेसिक वे में मैंने आपको स्टाइल्स यहाँ पे समझा दिया है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिएगा रोज, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो सीरीज में मैं सेल्स एंड एडिटिंग सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स।